सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं आपकी शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने जो सेमेस्टर सिस्टम लागू किया था, तो उसके सिलेबस का पैटर्न है वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ डिस्क्राइब किया था, जिसको इस बार इन्होंने चेंज कर दिया है। अब वो चेंज किस प्रकार से किए हैं उसी बात पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो प्राइवेट स्टूडेंट्स, रेगुलर स्टूडेंट्स और जो एक्स स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के, उनके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले यह बात करेंगे कि जो NSP 2020 के तहत शेखावाटी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर सिस्टम लागू कर रही है उसके अंदर पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न आपका फुल MCQ टाइप का रहने वाला है, मींस ऑब्जेक्टिव टाइप का। जो आपने कई कॉम्पिटिशनों में भी देखा होगा कि कॉम्पिटिशन में जैसे आपके पास में OMR बेस पे पेपर होता है, यूनिवर्सिटी भी आपके पास सेमेस्टर का जो पेपर है वो उसी टाइप से कंडक्ट करवाएगी। यहाँ पे OMR बेस का आपके पास एक पेपर आएगा जिसके अंदर टोटल 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे, लाइक ABCD टाइप। उसमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको वहाँ पे चूज करना है, कोई सॉल्यूशन नहीं करना, केवल आपको ऑप्शन है वो चूज करना है। हालांकि सॉल्यूशन करने के लिए रफ पेपर का जो आपके पास में पोर्शन है वो भी दिया गया रहेगा वहाँ पे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सेकेंडरी पॉइंट कि टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे और पेपर में टाइम कितना दिया जाएगा। तो टोटल जो क्वेश्चंस है वो आपके पास में 60 क्वेश्चंस है वो देखने को मिलेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिखा है 16 इम्प्लाई 50, मतलब कि आपको 60 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे लेकिन आपको उनमें से अटेम्प्ट करने हैं केवल 50 क्वेश्चंस। अब वो 50 क्वेश्चंस हैं वो आप हैं, जैसे मान लो कि आपको पूरे 60 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपने 1 से लेके 60 क्वेश्चन टोटल के टोटल अटेम्प्ट है वो वहाँ पे कर लिए। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन उसमें जो स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन है ना, जो 50 क्वेश्चन है वही आपके पास में चेक होंगे। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप कर लो भले ही, वो चेक नहीं होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन है वो आपके करेक्ट होने चाहिए, बाकी के चाहे आपके करेक्ट हो या रॉन्ग हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम की बात करें कि टाइम कितने दिया जाएगा पेपर करने का, तो आपको 1.5 घंटे 1 घंटे 30 मिनट का टाइम है वो पेपर करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि मेन पेपर्स तो आपके लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन कंपलसरी पेपर जो अपने पास में मेनली हिंदी और इंग्लिश का होता है उसमें से फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा पेपर लगेगा। तो कंपलसरी पेपर के रूप में आपके पास जो हिंदी का पेपर है, ठीक है, मेनली हिंदी और इंग्लिश होते हैं, तो हिंदी का पेपर है वो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको देना होगा, जो वही चीज़ है कि 50 नंबर का आपके पास वो पेपर आएगा। अब मैंने लिख रखा है कि जो 50 नंबर का पेपर है वो 40+10 के रेशियो में बटा रहेगा। कहने का क्या मतलब है कि 40 नंबर का तो आपके पास में पेपर आएगा और 10 नंबर का है वो आपके पास में इंटरनल असिसमेंट्स, यानी कि जो आपके पास में मिड टर्म्स की एग्जाम होगी। मैं ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ कि रेगुलर स्टूडेंट्स जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके हैं वो मिड टर्म्स लगेंगे, यानी कि कॉलेज में कोई टेस्ट ले सकता है या फिर कोई प्रोजेक्ट करवा सकता है आपसे, उस बेस पे वो 10 नंबर है वो आपके यूनिवर्सिटी में भेजे जाएंगे, उस बेस पे 50 नंबर है वो आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। हालांकि ये पोर्शन केवल रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, प्राइवेट स्टूडेंट्स को पूरे 50 नंबर का पेपर ही करना होगा, ठीक है। 50 नंबर का पेपर वो यूनिवर्सिटी में एग्जामिनर इस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि 40 नंबर तो चलो आपको पेपर में दे दिया, 10 नंबर है वो अपने अकॉर्डिंग कोई और पोर्शन देके या फिर कोई और पॉइंट वाइज है वो करके आपको उसी पेपर में ही, मतलब कि पूरा का पूरा 50 नंबर कवर करेगा, जबकि रेगुलर स्टूडेंट का 40-10 के रेशियो में बटा रहेगा कि 40 नंबर का ही पेपर करना है उनको, 10 नंबर का कॉलेज भेज देगी, तो फायदा रेगुलर वाले बच्चों को होगा फिर तो। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा फिर इस हिसाब से, तो इस हिंदी के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आएगा वो आएगा 0.8 नंबर का, ठीक है, 0.8 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई ये जो अपना सेमेस्टर पेपर लग रहा है ये क्या केवल रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पेपर रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी लगेगा, प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी लगेगा। जो एक्स स्टूडेंट्स हैं जो पहले फेल हो चुके हैं और वो वापस है वो फर्स्ट ईयर दे रहे हैं उनके लिए भी लगेगा, जिनके पेपर ड्यू रह चुके हैं लास्ट ईयर और वो अभी ये पेपर देना चाह रहे हैं फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर दोबारा क्लियर करना चाह रहे हैं, तो उनको भी यह सेमेस्टर एग्जाम की जो पद्धति है
इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ओमआर बेस का पेपर देना ही पड़ेगा, ठीक है। उनके लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है कि वो ईएलई वाला पेपर नहीं लगेगा, उनके भी सेम पेपर लगेगा, सभी स्टूडेंट्स को ये पेपर देना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकल, अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी होंगे आपके पास में, ठीक है। प्रैक्टिकल का जो रेशियो है वो इस प्रकार से बटा हुआ रहेगा कि आपके पास में टोटल 150 नंबर रहेगा, एक पेपर कवर करेगा टोटल, जिसमें से 50 नंबर तो आपके पास में प्रैक्टिकल का आएगा और 100 नंबर का आपके पास में पेपर आएगा, जिसमें से एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन ही आएंगे, 50 क्वेश्चन ही करने होंगे, इसमें एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का रहेगा, जो इस प्रकार से 100 नंबर का वो पेपर रह जाएगा और 50 नंबर का प्रैक्टिकल रह जाएगा, ठीक है। ये हुआ रेगुलर स्टूडेंट्स की बात। अब बात करते हैं नॉन, जो आपके पास में नॉन रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वैसे तो सेम पोर्शन ही है, कोई बड़ा रोल नहीं है इसके अंदर, उनके भी सेम ही चीज़ें होगी कि भाई 50 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया और 100 नंबर का पेपर हो गया। अब बात आता है कि नॉन प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स हैं आपके पास में, प्रैक्टिकल के बाद में नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, उसमें क्या किस प्रकार से चीज़ें बटी हुई रहेगी। उसके अंदर होगा यूँ कि नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर आपके पास में 120 नंबर का तो आएगा पेपर, ठीक है। 120 नंबर का पेपर का मतलब हो गया कि 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें एक क्वेश्चन 2.4 नंबर का हुआ, तो 2.4 को 50 से गुणा करते तो 120 नंबर बनते। तो इस प्रकार से तो आपके पास में यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के, और प्लस में 30 नंबर, 30 नंबर है ये रेगुलर स्टूडेंट्स को कॉलेज द्वारा भेजे जाएंगे, जो आपके पास में 10वीं 12वीं के अंदर 17 अंक भेजे जाते थे ना, स्कूल वाले भेजते थे, उसी प्रकार से कॉलेज के अंदर कॉलेज वाले हैं वो रेगुलर स्टूडेंट्स के 30 नंबर हैं वो भेजेंगे, जिसमें वो मिड टर्म एग्जाम ले सकते हैं, प्रैक्टिकल ले सकते हैं, वही वाली बात। लेकिन जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनको पूरे का पूरा 150 नंबर का पेपर है वही कवर करना पड़ेगा, यानी कि पेपर कर लेंगे वो, फिर उसके बाद में जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेंगे या यूनिवर्सिटी है वो उसी एग्जाम के बेस पे उनको आगे के 30 नंबर हैं उसी में घोल मटोल करके दे देंगे, ठीक है। लाइक उनको कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं भेजा जाएगा कॉलेज की तरफ से, तो प्राइवेट स्टूडेंट्स को ये एक लॉस है, लॉस पॉइंट है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई रेगुलर ही करना कॉलेज, प्राइवेट के चक्करों में पढ़ना ही मत, वरना फालतू में नंबरों का नुकसान और हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट वही चीज़, ऑल स्टूडेंट्स मैंने पहले डिस्क्राइब कर दी है, प्राइवेट अक्स स्टूडेंट रेगुलर की बात की है यहाँ पे। अब इसके बाद में आपके जो एग्जामिनेशन फॉरम है शेखावाटी यूनिवर्सिटी के, वो हालांकि भर चुके हैं और भरे जा रहे हैं, उसकी लास्ट डेट अभी 11 तारीख है, जिसमें आपको 100 रुपये अतिरिक्त दे के वो पेपर है, वो एग्जामिनेशन फॉरम वो भरना है। इसके बाद में 13 तारीख तक है वो डबल फीस के साथ आप एग्जाम के फॉरम है वो सबमिट कर सकते हो, हालांकि आपने कर दिया होगा सबमिट, तो नहीं किया तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से कुछ पोर्शन है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। इसी के साथ एक और पॉइंट अभी यूनिवर्सिटी ने है वो नोटिफिकेशन में डाला था कि आपके पास यदि किसी पेपर के अंदर, मतलब आपको पता है पेपर में जो नंबर है वो 0.8, 2.4 इस टाइप से है वो डिस्क्राइब है, यदि किसी पेपर में आपके पास जैसे नंबर ये बन रहा है 12.5 ऐसा बन गया किसी पेपर में, तो उसको आपको पूर्णांक करके 13 नंबर में लिखा जाएगा। इसी बार यदि 12.1 भी बन रहा है तो उसको भी 13 लिखा जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3 पॉइंट के बाद में यदि 1, 2, 3, 4 जो भी है ना उसको पूर्णांक के रूप में अगले वाले नंबर में ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इस टाइप से इस बार आपका पेपर पैटर्न रह रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहने वाला है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। पेपर का लेवल की बात करें तो पेपर का 3 तरीके का लेवल आएगा आपके पास में, वो आएगा आपके पास में इजी, प्लस में मॉडरेट और प्लस में हार्ड, 3 टाइप का आपके पास देखने को मिलेगा। 3 टाइप में क्या होगा, आपके पास में इजी और मॉडरेट में टोटल 50 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके पास, ये 10 है वो क्वेश्चन आएंगे हार्ड, तो आप मेरे अकॉर्डिंग तो इजी और मॉडरेट यानी मीडियम क्वेश्चन है ना, इनको ही कवर कर लेना, हार्ड में जाना ही मत, घुसना ही मत फालतू में, इनके अंदर पूरे 50 नंबर कवर कर लेना। पेपर हर एक जो आपके इस बुक का है उसका पेपर पैटर्न यही रहने वाला है, इजी क्वेश्चन भी आएंगे, थोड़े लेवल के भी आ सकते हैं और थोड़े एक्सट्रीमली लेवल के भी आ सकते हैं, तो डीपली पढ़ना है, ऐसे नहीं सोचना कि तुक्के मार के पास हो जाएंगे, क्योंकि सारी की सारी जो ओमआर सीट है वो मशीनों से चेक होगी। इसका मतलब प्रॉपर का प्रॉपर जो आपके पास नंबर बनेंगे ना वही नंबर आएंगे, कोई भी गफले वाली चीज़ है नहीं है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम्स देने हैं, एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो आपके पास में जल्दी आ जाएगा, होपफुली जनवरी के एंड तक होते होते आपके एग्ज़ाम वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो,
तो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए सी यू, थैंक यू।